कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ राजसमंद राजस्थान में। आज ये मेरा 10वां दिन है और मैं यहाँ पर अभी एक होटल में रुका हुआ हूँ, जो कि आपको पिछली वीडियो में दिख जाएगा कि क्या कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। यहाँ के मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े और अभी मेरा ये कुछ सामान यहाँ पर है, बाकी सामान साइकिल पे रखा हुआ है क्योंकि उसमें कुछ इतना कीमती सामान नहीं है, तो मैं उसके साथ ही छोड़ देता हूँ। तो नीचे पार्किंग में खड़ी है सेफली और अब मैंने फ्रेश व्रेश हो गया हूँ तो फिर सामान वामान लेके जाऊंगा। आगे कुछ लोगों से मिलना भी है, उनसे मिलके फिर मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ूंगा। आज छोटा टारगेट रखूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पिछले 2 दिनों में थक गया था, सो नहीं पाया था ठीक से। आज भी इस बार भी थोड़ा कम सोया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहाने की व्यवस्था मिल गई, गर्म पानी था तो थोड़े अपने थकान दूर हो गई। तो चलते आगे और वीडियो को पूरा देखना, मजा आएगा। वीडियो को स्किप मत करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जुड़े रहो। बहुत फाइनली हम अपनी लोकेशन में, बहुत साइकिल चढ़ा के आना पड़ा, चढ़ाई थी बहुत। और लोकेशन देखो, थोड़ा आगे ही द्वारकाधीश जी का मंदिर है, लेकिन वो भी एक टाइमिंग से ही खुलता है, इसलिए मैं वहाँ के दर्शन नहीं कर पाया और मुझे आगे जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर से जब राजस्थान एक्सप्लोर करने निकलूँगा तब फिर से घूमूंगा। और अब देखो मैं कहाँ से चढ़ाई करके आया था, ये देखो यहाँ चढ़ाई करके मैं आया था। बना नहीं पाया था क्योंकि चढ़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। रख लेता हूँ फोन को, दिक्कत रहेगी। तो अभी राजसमंद में हम राजस्थान के कुछ भैया लोगों के पास आए हैं, यहाँ पे इन्होंने मेरा स्वागत किया है और अभी ब्रेकफास्ट भैया के साथ कर रहे हैं। कहाँ पर और अभी मैं कहाँ पर हूँ वैसे? अभी आप राजसमंद में हो, राजसमंद के पास में पिपड़ा गांव है और ये अपनी फैक्ट्री है कृष्णा एक्सपोर्ट्स के नाम से, ग्रेनेड का बिजनेस करते हैं हम। और मेरा नाम दीपक जैन, दीपक जैन चोड़िया। और सर आप? ये निखिल जी सहलोत हैं, ये भी राजसमंद विरासते हैं। और आप मेरे पार्टनर मनोज जी कोठारी, आप यही विरासते हैं। और इनसे तो आप मिले, इनसे तो आप परिचय सबका है ही है। कल भैया से मिले थे हम, कल भैया ने हमें राजसमंद में थोड़ा बहुत घुमाया था। थोड़ा समय नहीं था, समय कम था तो ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं पाया मैं यार, लेकिन लेट पहुंचा था। मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी है कि फिर से आप समय निकाल के आइए, फिर हम दिखाते हमारा मेवाड़। अच्छे से दिखाएंगे मेवाड़, अच्छे से कभी फिर से आएंगे राजस्थान स्टेट एक्सप्लोर करने। राजस्थान को प्रॉपर एक्सप्लोर करने या मेवाड़ को एक्सप्लोर करने आ सकते हो। आपको काफ़ी कुछ ऐसा है, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ हटके देखने को मिलेगा। और मेरा तो निवेदन है कि कभी आज भी जैसे आप उदयपुर जाते हैं तो आज नाइट स्टे आपको उदयपुर करना चाहिए, उदयपुर थोड़ा सा घूम फिर फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर से कटिंग होती है। मंगलमय रहे आपकी यात्रा और आनंददायक रहे, और वापस जल्दी से एक बार घूम करके चारों धाम की यात्रा करके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके वापस हमसे आकर के मिलो, हम यही आशा करते हैं और यही दुआ करते हैं। आपको इतने वेलकम मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मंगल कामना है आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत पूरे मेवाड़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूबसूरत नजारे और घूमने की जगह और खाने पीने की, जो खाने पीने में तो राजस्थान एक नंबर भाई साहब। अभी जहाँ मैं रुका था उन्होंने मुझे ठुसा ठुसा के नाश्ता कराया, जबरदस्ती। खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं और इतना स्वादिष्ट खाना होता है यहाँ पे, एक नंबर बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। अगर आपको सेवा मिली ना राजस्थानियों की, आपका दिल खुश रहेगा बिल्कुल एकदम, मन से लगेगा ही नहीं कोई अपना, मतलब वहाँ पे मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मतलब कोई, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, उन सभी लोगों से मैं पहली बार मिल रहा था, एक बार भी फील नहीं हुआ। और जो मतलब रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने एकदम से नज़ारा देखा, वो सामने तो मैं शिव जी की मूर्ति दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आसमान में कुछ दिख रहा हो। ये हम नाथ द्वार के आसपास हो शायद, नाथ द्वार में एक बहुत ही फेमस मंदिर है लेकिन वो टाइमिंग से खुलता है। जहाँ हम राजसमंद में रुके थे वहाँ पे भी द्वारकाधीश का बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन वहाँ पे भी टाइमिंग से ऐसा सब कुछ।
से चढ़ के देखो अभी और ऊपर चढ़ रहा हूँ। फाइनली हम उस तरफ जा रहे हैं, ये चौराहे से यहाँ पर इससे रास्ता जाता है आगे की तरफ। यहाँ से ये भी फिर से चढ़ाई है भाई साहब, बहुत चढ़ाई करी मैंने आज, टांगों की रेल बना दी। देखो ये चढ़ाई सही प्रैक्टिस हो गई है कि आज पहाड़ों के लिए। इधर से आसपास का भी देखो पूरा नज़ारा दिख रहा है आगे तक का। अब देखो ये ढलाना, ये तो अब थोड़ा आराम मिला है। स्पीड देखो 42-43, मैं चला नहीं रहा फिर भी क्या गजब की स्पीड आ रही है। तो अभी मैं नाथद्वारा में दर्शन करने आया था तो भैया लोगों ने मुझे देखा और अपने रिजॉर्ट पे इधर इनवाइट किया और मेरा स्वागत किया यहाँ पर। और अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, रेस्ट करेंगे, फिर अपना दर्शन करके फिर अपने यात्रा में है आगे बढ़ेंगे। तो वैसे नाम क्या आपका? नीतीश सिंह, नाथद्वारा ब्लॉक से। नाथद्वारा ब्लॉक से इनका भी चैनल है और अभी बस यहीं पर रेस्ट करेंगे। भैया ने रोका, भैया ने स्वागत किया, इतना वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे 200 रुपये एंट्री टिकट है और ऊपर तक जाने के लिए 400 रुपये। तो अभी के लिए चलते हैं, इतना दर्शन काफ़ी है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है जो कि विश्वास का स्वरूप है, ट्रस्ट का। तो यहाँ पर जो था टिकट था 200 रुपये का सिर्फ अंदर एंट्री का और 400 रुपये का ऊपर तक जाने का। तो हमने कहा कि देख तो हमने बाहर से लिया, तो हम चल दिए आगे और अब हम जा रहे हैं आगे उदयपुर की तरफ। इसे मेरा काफ़ी समय लग गया ऊपर चढ़ने उतरने में और थोड़ा रास्ता भी मुझे पता नहीं था, तो मैं एक्स्ट्रा चढ़ना उतर गया पड़ गया। तो उदयपुर पहुँचे, शायद पहुँच नहीं पाए अभी भी, देखते हैं। तो इधर से पूरा ढलान हमारा लगभग ढलान है, बहुत थोड़ी सी चढ़ाई है और पहाड़ी रास्ता है, तो इस पर थोड़ा ईजी पड़ रहा है मुझे। और लगभग 35 किलोमीटर और रह गया होगा उदयपुर। और वो जो पीछे मैं मूर्ति अंदर से दर्शन नहीं कर पाया उसका थोड़ा दुख है मुझे, लेकिन कोई नहीं, बाहर से हमने कर लिए थे और आज हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। पहाड़ देखो अब और बड़े बड़े होते जा रहे हैं, देखो सामने देखो, आगे पूरा पहाड़ी एरिया है। अभी एक टोल प्लाजा आने वाला है, अभी बताऊँ कौन सा है। उदयपुर हाईवे टोल प्लाजा, राजस्थान ऐसा भी होगा मैंने सोचा नहीं था वाला, उत्तराखंड वाला तो हिमाचल की रोड वाला फील आ रहा है, अच्छी रोड और अगल बगल में दोनों तरफ पहाड़, वाला सीन है। तो सारा इधर से यार पहाड़ी रास्ता यार रखा है, बहुत मुश्किल हो रही है चढ़ाने में। सिरवा घाटी के नीचे हाँ यहाँ पर ये एक टनल है उदयपुर की तरफ से जाती है, बाकी तुम बताओ इसके बारे में। उसकी याद आ गई मुझे, उत्तराखंड में था, बड़ी खूबसूरत टनल थी और टनल के बाहर का नज़ारा देखो इधर का। इधर उदयपुर में तो सारे तरफ पहाड़ी पहाड़ है और लगभग दिन ढल चुका है, पहाड़ों के पीछे धूप तो हल्की हल्की है लेकिन अब और ढला हुआ नहीं लग रहा है इधर देखो, तो बस रुकने की जगह ही देखी थी। और इधर खाली मतलब ढलान ही ढलान है, मतलब पहाड़ों को उतरना ही उतरना है। यार क्या खूबसूरत जगह है, देख रहे हो पहाड़ों के बीच में एक वैली वाला फील आ रहा है। धचकियाँ, स्पीड थोड़ी बनती है फिर धचकियाँ आती है। अगर चश्मा ऑन रहता है तो फिर एक घंटे पहले से ही अलार्म बज जाता है कि भैया अंधेरा हो गया है, लेकिन चश्मा हटाओ तो फिर दिखता है कि उजाला है। देखो मुझे चश्मे लगता लगा था कि बिल्कुल शाम घंटी हो गई, अंधेरा ही होने वाला है और अभी अच्छा खासा है टाइम मेरे पास एक घंटे का। एक मंदिर पड़ा तो मैंने वहाँ पर पूछा रुकने के लिए, तो उनका लड़का था वहाँ पे, मतलब मेरे से भी कम उम्र का था, नहीं रुकने देते। मैंने कहा पंडित जी कहाँ है, पंडित जी से बात कर लेता हूँ, मैं उनका लड़का ही तो हूँ। मैंने कहा भाई पंडित जी की बात अलग है, कह रहा नहीं रुकने देते। वहाँ पर रुकने की व्यवस्था स्पेस मतलब था, मंदिरों में स्पेस इसलिए होता है, जगह इसीलिए बड़े मंदिर बनाए कोई यात्री आए रुक सके, लेकिन फिर भाई कम मतलब क्या कहूँ मैं, थोड़ा कई कई लोग ऐसे होते हैं ना फिर ये डिफेम करते हैं इन चीज़ों को। अभी बाकी मैं एक और आश्रम है वहाँ पता करने जा रहा हूँ, नहीं होगा तो पंडित जी से फिर बात करूँगा वरना देखी जाएगी। तो ये है वो आश्रम, श्री परमानंद आश्रम, ऊपर जाता हूँ बाकी पूछ लेता हूँ एक बार। अभी शाम की आरती चल रही है, देखता हूँ क्या बताते हैं। वो खड़ी मेरी साइकिल,
शाम की आरती चल रही थी, अभी खत्म हुई है, बाकी अभी बात करता हूँ उन लोगों से। तो आश्रम में तो यहाँ रुक नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक अंकल जी थे, तो वो कह रहे हैं अभी देखते हैं चौकीदार जी के रूम में उन व्यवस्था हो जाएगी, देखते हैं। कोई नहीं, अपना टेंट है वहाँ पे, वैसे बहुत सारी खुली जगह है, हो पाएगा तो ठीक है, वरना मैं अभी और कुछ भी अरेंजमेंट देख रहा हूँ। जैसे आरती वारती में बैठ जाओ ना, अभी मैं बैठा था इन लोगों के साथ, तो ना मन जो होता है ना, एक वो नर्वसनेस और एक थोड़ी परेशानी, और एक लगता है कि मन घबराता है कभी, तो मतलब होता है मेरे साथ ऐसा रात होने के बाद ना, थोड़ा सा होता है। तो मेरा ना अगर ऐसे मैं आरती या फिर ऐसे कहीं बैठ जाऊँ तो थोड़ा मन थोड़ा काम हो जाता है, पीसफुल सा जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो वो आपका मन ठंडा कर देता है, थोड़ा सा जो घबराहट होती है वो दूर हो जाती है। तो अभी मेरे को चिंता नहीं हो रही, भले ही देखो पूरी रात हो रखी है, लेकिन अब वैसी घबराहट नहीं हो रही जैसे कि मुझे होती है। मैं परमानंद आश्रम में था तो ये सभी लोग मुझे मिले यहाँ पर, और सभी लोग मेरी हेल्प के लिए मतलब कि मुझे कहने लगे, भैया जी भी और अंकल जी भी, सभी लोग कि मैं उनके यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन अरेंजमेंट शायद मेरा हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करने का सोचा और ऐसे मतलब कि मुझे भरोसा दिखाया। तो ये सभी लोग मुझे मिले, ये भी लोग सब लोग चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। अच्छा लगा सभी लोग मिले ऐसे, मतलब गंगा सागर यात्रा जा रहे हैं। अच्छा गंगा सागर, बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर। अच्छा, देखा ना तुम लोगों ने कैसे एकदम से इतनी भीड़, अभी कैसे मिल नहीं रहा था कुछ, कैसे एकदम से इतना सब कुछ मिलने लगा। तो जब भी मैं भगवान के आगे थोड़ी देर बैठ लेता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, सारे नए नए रास्ते खुल जाते हैं। मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, और अभी मुझे चार पांच जगह से, चार पांच जगह भी नहीं, कम से कम 5-10 जगह से मेरे को एक साथ इन्विटेशन आ गया।